प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस रेड बटन को दबा के और इस बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज हैरी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न इट। हेलो दोस्तों, मैं हैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं जो आपकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग आप जिस तरह स्क्रीनशॉट लेते हैं, सर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है कैसे कर सकते हैं, और वो कौन से ऐसे बेस्ट जो है सॉफ्टवेयर जो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना आप प्ले स्टोर ओपन करें और यहाँ पर लिखें स्क्रीन रिकॉर्डर्स। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सी स्क्रीन रिकॉर्डर जो आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत सी स्क्रीन रिकॉर्डर हैं, तकरीबन मैंने आलमोस्ट सारे के सारे जो हैं चेक किए हैं। इनमें से मैंने कुछ ही जो हैं आपके लिए चुन के रखे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट हैं। इनमें आपको तमाम जो है फैसिलिटीज़ जो आपको मिलेंगी विदाउट एनी कोई ऐड भी नहीं होंगे इनके ऊपर। और इसके अलावा इनका जो वाटर मार्क जो अक्सर आप देखते होंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपके जो है कॉर्नर पर इनका जो है अपना लोगो नज़र आ रहा होता है, तो ये लोगो फ्री होंगे और ऐड फ्री होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि कौन से आपने आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा डी यू रिकॉर्डर। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्डर है जो कि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। ये मैं इसी वीडियो रिकॉर्डर से जो है मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग कितनी ज़बरदस्त है, 10 मिलियंस लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया है। आप इसके नीचे कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। इट्स रियली एक्चुअली प्रीटी कूल एंड ईजी टू यूज़ स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर। ठीक है सर, आप सारे देख सकते हैं इस तकरीबन सारे के सारे जो हैं पॉजिटिव कमेंट्स, कोई इनमें नेगेटिव कमेंट नहीं है कि ये बुरा सॉफ्टवेयर है ये वो। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सारूँ को सबको ओपन करके दिखाऊंगा कि इनमें क्या फैसिलिटी है। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ जस्ट इनका रिव्यू दे लूँ, उसके बाद मैं इनकी डिटेल्स भी आपको बताता हूँ। ये है मोबीन रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, ये भी एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसकी भी आप देख सकते हैं रेटिंग इतनी अच्छी है, कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी अदर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ये देखते हैं कि मोर। ठीक है, आप इसकी जो है पढ़ सकते हैं, इसकी 10 मिलियन रेटिंग है। ठीक है, रीड मोर पे क्लिक करके आप इसकी जो है देख सकते हैं। मज़ीद आपको डिटेल चेक करना चाहते हैं, वर्जन 3.4 वर्जन है ये। और इसके अलावा मैं बैक चलता हूँ तो आपको मैं एक और स्क्रीन रिकॉर्डर बताता हूँ। ये भी स्क्रीन रिकॉर्डर है, फ्री नो एड इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये भी आपके लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। आपको इसके ऊपर आपको 500,000 आपको जो है इसकी रेटिंग मिलेगी। ये भी काफ़ी अच्छी रेटिंग है, ये देख सकते हैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह इसमें आपको देखने को मिलते हैं, और आप इसके कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह आप इसकी जो है चेकिंग कर सकते हैं। तो चलें बैक पे चलते हैं और आपको मैं एक प्रॉपर जो है मैं मोबीन के सबसे पहले मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या मैं सेटिंग पे जाता हूँ और आपको इसकी ये रही सेटिंग, इसकी मैं ओपन करके आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि साउंड है, सबसे पहले है फेस कैमरा। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर 3 ऑप्शन एट अ टाइम मिलते हैं। एक तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीन की कर सकते हैं, दूसरा आप एक तो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसी में एक टाइम में, और तीसरा आप इसके अंदर अपने जो है अगर आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा कुछ भी ऑन करके, तो आप अपना फेस कैम ठीक है आप कुछ भी ऑन करके अपने आप को मतलब शो कर सकते हैं। जिस तरह कि आप एक वीडियो कॉल करते हैं तो आपका जो है सामने फेस नज़र आ रहा है, इसी तरह आपका वीडियो में भी फेस नज़र आएगा। और इसके अलावा माई ओन वाटर मार्क, अगर आप चाहते हैं कि आपको वाटर मार्क नहीं चाहिए तो आप ये देखें वाटर मार्क आप क्लिक करें। ठीक है, ये देख सकते हैं आपको वाटर मार्क यहाँ पे कोने पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये वाटर मार्क अगर आप नहीं चाहते यहाँ पे आप जो है डू नॉट डिस्प्ले वाटर मार्क ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड है, ठीक है आप इसे यहाँ ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप अपना यूज़ करना चाहते हैं इसे ऑन करें, यहाँ पर क्लिक करें और अपना वाटर मार्क आप जो है ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके अलावा आपको जो है नीचे काउंट डाउन ठीक है ये आपके लिए काम करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे अबाउट एड्स, अगर आप एड्स ऑन करना चाहते हैं तो आप एड्स भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशन वर्जन जो है आप ये भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे लॉन्च डेटर, आप जो है वीडियो को एडिट थोड़ा सा करना चाहते हैं तो आपको ये भी
जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्टोरेज पे है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी स्टोरेज कितनी अवेलेबल है। देख सकते हैं मेरे 20 GB जो है टोटल, जो 54 GB है और जो अवेलेबल है 20 GB मेरे मोबाइल में जो है अवेलेबल है। तो इस तरह जो आप भी यहाँ से इसकी क्वालिटी को भी रेजोल्यूशन को भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप 1080 पिक्सल या फिर इससे कम ये देखें 360, 240, 480 और 1080 पिक्सल फुल HD ठीक है आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी जो है 720 में अगर 1080 कर दूँ 1080 हो जाएगी ठीक है, 720 करूँ तो बेस्ट है। और इसके अलावा आप ये इसमें बेसिक्स था, और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इनके अपने एड्स हैं इस तरह के। तो बैक चलता हूँ और अगर आपको मैं नेक्स्ट भी दिखाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर फ्री नो एड्स ठीक है, अभी मैं इसे ओपन करता हूँ ठीक है। ये मैंने इसके अंदर कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की भी है, मैं डायरेक्टली सेटिंग में जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर कुछ आपको इसी तरह फीचर्स देखने को मिलते हैं, चूज स्टॉप ऑप्शन, आप अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उसे जो है स्टॉप करेंगी, जैसे थिंक स्टॉप ऑन शेक ठीक है, आप अगर फ़ोन को हिलाएंगे तो जो आपकी रिकॉर्डिंग जो स्टॉप कर देगा। और उसके अलावा नोटिफिकेशन स्टॉप, अगर आप इस तरह ओपन करके इस तरह आप क्लोज करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑन स्क्रीन ऑफ, अगर आप स्क्रीन ऑफ कर देंगे तो तभी आपकी जो है ऑटोमेटिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है क्लोज हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे रेजोल्यूशन बता रहा है, आप जिन्हें चीज़ सबसे ऊपर वाली सबसे बेस्ट है, अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं इजीली। और इसके अलावा आप ये आपको दिखा रहा है कि ओरिजेंटेशन ऑटो ठीक है, आप जो भी चाहते हैं वैसे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेम रेट्स 60 फ्रेम्स हैं, 30 बेस्ट है, मैं तो 30 यूज़ करता हूँ। तो उसके अलावा ऑडियो, अगर आप ऑडियो यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा शो टच, जिस तरह की आपको मेरा नज़र आ रहा होगा छोटा सा टच, जहाँ मैं टच करता हूँ छोटा सा आपको बबल सा नज़र आ रहा होगा, तो अगर आप चाहते हैं तो ये भी ऑन ऑफ कर सकते हैं ठीक है। मैंने यहाँ से ऑन किया हुआ क्योंकि मैं शो करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर टच करूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अगर आप उसके अंदर बैनर ऐड करना चाहते हैं ठीक है, आप अपना करंट को टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, देख सकते हैं मैंने हेलो लिखा हुआ है ठीक है। तो कलर आप बैकग्राउंड कुछ भी चूज़ करना चाहते हैं करके, सिलेक्शन कुछ भी करके आप जो है ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा साइज़ आप जितना मर्जी है ऐड करना चाहें ठीक है करके, तो आप इस तरह यहाँ देख देंगे शो टेक्स्ट, नहीं चाहते तो आप यहाँ पर क्लोज़ कर दें। इस तरह आप जो आपकी वीडियो में जहाँ पे भी कॉर्नर पे ना आपको जो आपने अपना टेक्स्ट लिखा होगा यहाँ पे आपको जो है नज़र आएगा इमेज लोगो ठीक है। आप यहाँ पे अपना लोगो ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसके अलावा नीचे ये इंग्लिश ठीक है, और जो आपके काम की जो है नहीं, ये थी इसके कुछ बेसिक्स के कैसे है, कैसा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये भी मैंने अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मैंने आप देख सकते हैं मेरी रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर मौजूद है, मैंने खुद इसे यूज़ किया है, बहुत ही बेस्ट है। और इसके अलावा अभी बात करूँ DU रिकॉर्डर, अभी करंटली मैं इसी के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं इसे ओपन करता हूँ आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी सेटिंग में चलता हूँ, सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे सेम एज इट इज़ की तरह रेजोल्यूशन 720 की रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलती है। और इसके अलावा 12 MP ठीक है, MBPS ठीक है, ये सबसे हाई क्वालिटी है। अगर आप इसे कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके अंदर है, इस तरह वीडियो लोकेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लोकेशन भी साथ में बताएं तो आप ये आपको GPS ऑन करके आपको ट्रैक करेगा और साथ में आपको लोकेशन भी बताएगा। और इसके अलावा मैं नीचे चलता हूँ तो इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको पहले बताया इन दोनों में से ये सबसे बेस्ट है। आपको इसके अंदर वाटर मार्क ठीक है यहाँ पे नहीं शो हो रहा, देख सकते हैं कि आप अगर आप चाहते हैं कि वाटर मार्क शो हो तो आपको शो भी हो जाएगा, आप इसे अनेबल कर दें तो हो जाएगा। और इसके अलावा GIF रिकॉर्डर आप देख सकते होंगे छोटा सा, आपको ये फेस मैसेंजर में जो है आपको फैसिलिटी मिलती है GIF रिकॉर्डर, छोटा सा एक क्लिप बनता है सर, आप जो रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह टच शो टच, जिस तरह मैं टच करूँ तो आपको इसी तरह बबल से नज़र आ रहा होगा सर, आप जो है कर सकते हैं। ये ब्रश, अगर आप ब्रश चाहते हैं कि आप किसी जगह को मार्क करना चाहते हैं, मार्क कर दूँ, ये देखें मैं यहीं पर मार्क करूँगा, ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने क्या मार्क किया है, तो मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा ठीक है। तो इस तरह करके मैं इसे क्लोज़ कर दूँ जो मैंने पहले ओपन किया हुआ था ठीक है। और इसके अलावा इसी तरह यहाँ पे भी कैमरे का ऑप्शन आ रहा है कि आप अगर आप कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
उसके अलावा कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन ऑफ, अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर भी होती रहे तो आप यहाँ पे से क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर भी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड द रिकॉर्डिंग बटन ऑन द होम पेज, अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग बटन जो है आपको होम पेज पे ना नज़र आए तो आप इसे अनेबल कर दें तो आपका जो है नज़र नहीं आएगा। और इसके अलावा जहाँ पे जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जो सेकंड्स बताते हैं कि 1, 2, 3 और रिकॉर्डिंग स्टार्ट, इस तरह अगर आप चाहते हैं नो काउंट ठीक है तो आपको इसे नो काउंट पे क्लिक कर दें, 5 सेकंड 10 सेकंड अगर आप वेट करना चाहते हैं कर सकते हैं सिलेक्ट इसी भी। और इसके अलावा यहाँ पे डिसेबल पॉप अप नोटिफिकेशन आफ्टर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ख़त्म कर चुके हैं तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन देगा कि आपकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग रेडी है, आप देख सकते हैं प्ले कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो नज़र ना आए तो आप इसे भी अनेबल कर सकते हैं। और इसके अलावा नो क्लोज ऐप व्हेन यू एग्जिट द फ्लोटिंग विंडो, तो आप इसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ोन शेक योर फ़ोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन को हिलाएँ आपकी जो है रिकॉर्डिंग जो स्टॉप कर जाएगी तो आप इसे भी अनेबल कर सकते हैं, अभी डिसेबल है। तो इसके अलावा हाइड द रिकवर विंडो व्हेन रिकॉर्ड, मतलब आपको जो है कोने पे नज़र नहीं आ रहा कहीं भी मैं कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपको यहीं पे कुछ वही सेम एज इट इज़ आपकी बता रहे कि आपके मोबाइल में कितनी स्टोरेज अवेलेबल है। और इसके अलावा जी मैं आपको बता चुका हूँ सारा वीडियो क्वालिटी ठीक है ये सारा कुछ, तो ये था इसके अंदर बेसिक्स कि आप। और इसके अलावा जी मैं इसके अंदर और आपको कुछ बताता चलूँ, वीडियो एडिटर भी आप इसके अंदर कुछ कोई भी वीडियो जो आप इजीली एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा मर्ज कर सकते हैं, कोई दो वीडियो उनको आपस में मर्ज करना है कंबाइन करना है आप उसे ऐड कर सकते हैं। वाईफाई ट्रांसफ़र है, स्विच इमेजेस है, अगर आप किसी इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं कट करना चाहते हैं किसी इमेज से। इसके अलावा ऐड इमेज, अगर आप किसी इमेज को दूसरी इमेज में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर एक मतलब एक प्रॉपर आपको वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग और स्क्रीन रिकॉर्डर एक ही चीज़ों में आपको सब चीज़ों में एक ही सॉफ्टवेयर में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा वीडियो ऑन GIF ठीक है आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, पिक्चर स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो के बेस्ट कौन कौन से जो है वीडियो रिकॉर्डिंग है जो वीडियो रिकॉर्डर है जो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन मैं आपको सजेस्ट करूँगा DU रिकॉर्डर सबसे बेस्ट है दोनों से भी। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज़रूरत है, आप कौन सा लाइक करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और दोस्तों से व्हाट्सएप लाइन ट्विटर पर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।